में चल जाऊंगी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और मैं हूं एक्टिव मिश्रा। मैं नाम ही नहीं लिया खुद का भी। सीधे गिरा के जा रही है सारी। हद है यार। एक दिन हम करेंगे निकुंज को एक्सपोज। हाँ एक दिन है ना, हम छुपके से है ना निकुंज की गर्लफ्रेंड का मतलब दिखाएंगे कि कौन है, ताकि निकुंज के घर पे पता चले कि बहू कौन है, कौन सी आने वाली है। अभी दो चार का मेन शॉट वो करने निकल रहे हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। क्या है? हाँ तो गर्मी लग रही है तो बोल आई एम हॉट। तो हम लोग फिर से आए हैं मोई डेजर्ट स्टूडियो में, जहाँ पे मैंने इस बार दो ट्राई किया। मैं हमेशा एक्चुअली यही वाला मंगाता हूँ, ये पता नहीं इसका नाम मैं भूल गया हूँ, सॉरी। हाँ देखो ना, मार्बल की जैसे डिजाइन कुछ है। और इसने तो एज यूजुअल न्यूयॉर्क चीज़ का एक मंगाई है। इसको पता नहीं किसी ने मना किया, तो ये बोला मैं नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, तू उनके साथ खाता तो मेरे साथ क्यों नहीं खाता है? अच्छा। एक कॉफ़ी भी मंगाई है तो इनको मैं उसके साथ खाऊंगा। ऊपर ये, अरे मैं यहाँ दीवार दिखा रहा हूँ, बोले ऊपर डमेट है वहाँ जाएंगे। फाइनली थोड़ी सी पेट पूजा डन, मतलब होता है ना स्नैक्स के साथ, भूख तो अभी भी लगी है। ये हमेशा मैं पुल को पुश कर देता हूँ, पता नहीं क्यों, पढ़ने के बावजूद। हेलो। तो मैंने एक नया विटामिन सी का सीरम लिया है, डीवीज नैनो गोल्ड सीरम। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना खुद ही। 24 कैरेट गोल्ड चंकी था, बेच डालना गोल्ड निकाल के इसमें से, शायद ज़्यादा महंगा हो। तो ये विटामिन सी का सीरम है, अगर बाई चांस मुझे लिंक मिल जाएगी तो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप किसको चाहिए तो। थैंक यू। फिलहाल मेरा जो मेन इशू था वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, आगे का देखेंगे बाद में। आज के ब्लॉग में भी यार गाड़ी नहीं दिखाई ना, ये रही अपनी गाड़ी। और सच बोलूँ गाइस, यहाँ पे है ना एक्चुअली पार्क करना अलाउड नहीं है, और कहीं और पार्किंग अवेलेबल थी नहीं उस वक्त, तो मैंने इधर ही पार्क कर दी थी। और ये देखो, इसको कुछ नहीं मिला तो पानी की बॉटल वहाँ से उठा लाई। उठा के नहीं लाई, मैंने सोचा था पीऊंगी, फिर मुझे याद है मैं तो ठंडी बॉटल भर के लाई हूँ, तो मैं फिर इसको क्यों पीऊंगी, इसके लिए रख दिया मैंने। और ये इतनी झूठी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को इम्प्रेस करने के बोल रही थी मैं तेरे लिए लाई हूँ बॉटल। नहीं मैं अभी तो बोल रही थी, क्यों मस्के मार रही थी, मस्के मार रही थी है ना, लाइन मार रही थी मेरे को, तेरे पानी की बॉटल लेके आया ऐसा बोल रही थी। पानी चुराती हूँ। हाँ चला प्रूफ, व्हाट प्रूफ, मैं पीने के लिए लाई थी प्रूफ वाला। चोरी करना ही बोलते हैं, चोरी नहीं होता ये, ठीक है भाई। यार तू मत चलाया कर फास्ट ही। अंकिता 40-50 पे चल रही है, प्रूफ है मेरे पास। क्या वो वो कर रही है गाड़ी की आवाज? क्या कर रही है? वो वो 40 पे। हाँ आ रही है आवाज, देख देख देख। क्या क्या वो वो वो? अरे 20 पे अभी तक वो हो रही है कुछ भी यार। तो मतलब इंजन का आवाज बंद कर दो, ईवी खरीद लेते हैं। वो नहीं हो गया था ये देख। क्या देखा कि 30 पे है यार। ये जब से गाड़ी मैंने खरीदी है ना, तब से मम्मी और इसने त्रास बचा रखा है इस चीज का। आज तो ये वो बोल रही है। क्या वो क्या वो क्या होता है यार? वो ऐसा लगता है कोई कुत्ता भौंक रहा है, मतलब तू नहीं कुत्ता वो। तो गाइस हम लोग पलेडियम मॉल तो आ चुके हैं, इन लोगों ने यहाँ पे कुछ नया लगाया है। जितना पास से देखते हैं ना उतना अजीब लगता है, पर दूर से बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये लोग धीरे धीरे है ना सारे वो आर्टिफैक्ट्स लगा रहे हैं। कौन सा है इतना बड़ा? कोई नहीं, एप्पल का भी आएगा किसी दिन। आज मॉल में कुछ ज्यादा भीड़ लग रही है, दिन से यहाँ पर आए नहीं। कितनी सारी चीजें खुली हुई है, अलग जगह लग रही थी नई वाली इधर है। और ये सारे काउंटर्स है ना नए खुले हुए। भाई ये लोग हमको यहाँ पे मिले, हाई टेबल पे बैठ रहे थे, फिर अचानक लाइट हुई ना हम लोगों। खुला तो बहुत कुछ है, पर अभी भी पता नहीं हमारा मन वही हो रहा है जो पहले खाते थे, उसमें से कुछ सिलेक्ट करेंगे। निकुंज को तो मना किया हुआ है गर्लफ्रेंड ने। अब भूख लगी बोल रहे है ना, भूख अब लगी है, अब नहीं चलेगा। तो ये हमारा पालक पत्ते चाट आ चुका है, सारी ले जाओ। कैसा लगा? अरे यार इसमें किशमिश डाली हुई है। तो किशमिश से तेरे को प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है कि नहीं ये बोलना, सिर्फ टाइम पास मत कर। और मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ, वैसे मुझे पालक की चीज़ें कम पसंद है, पर फिर भी नहीं ले जाओ। टेबल में इतनी केयर पड़ी थी ना कि हम बांट रहे हैं लिटरली। ले जाओ है ना, ये बात सही है, किशमिश तो कुछ ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। हाँ है चाह, किशमिश नहीं होती तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी तरह मुझे याद नहीं कर आया था लास्ट टाइम, मैं अकेला जब यहाँ पर आया था, नीचे एक क्या कहे या जो बोलते हैं पिज़्ज़ा वगैरह जो मिलता है वहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग फूड होता है। अंकिता ने फर्स्ट चीज़ ऑर्डर करने के बाद याद करेगी, तो हम टेक्निकली अब वहाँ पे जा रहे हैं खाने के लिए, फिर मुझे अंकिता को टेस्ट कराना है कि वहाँ पर फूड कितना अमेजिंग होता है। तो सबसे पहले हमारे गार्लिक ब्रेड आ चुकी है, ये ले ठुस। चीयर्स। हम तीनों का कितना अलग है, मैं ऐसे ही खाने वाला हूँ, उसने डाला हुआ है ऑरिगेनो और उसके साथ केचप भी लिया है, इसने केचप नहीं लिया, फिर काफ़ी चीज़ें डाली हैं। गाइस समझ गए ना, सबसे बेस्ट इन सिंबल में ही है, इजी टू गो इन लाइफ।
कैसा लगा ये तो पता? वो से रियलाइज मेरे को यही प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट टाइम कहा है ना मैंने, मतलब भाई ये खत्म ही नहीं होता, ये देख इसका भी यही प्रॉब्लम हो रही है। कैसा लगा? हाँ और ये हमारा एकदम बाहुबली पिज्जा आ गया है। एक्चुअली मुझे ना पता नहीं ये पिज्जा तो नॉर्मल साइज है पर मुझे बहुत बड़ा लगता है ये, यहीं पर तुम ले लेंगे, दिखने में लग रहा है ना सुपर यमी। भाई जो भी हो मैंने सर्व किया है सबको और मुझे ना सर्व करने में बड़ी मजा आई। अब इनके थोबड़े देखने लायक होंगे। खाते वक्त खाते एक बार, अरे वाह उठा लिया तूने। कैसा है? मस्त है ना? निकुंज योर टर्न। कैसे उठा गया? मैं टेस्टी ना बस। बहुत ओवरईटिंग हो गई है। मैं तो घर जाके नहीं खाऊंगा। मम्मी है ना मेरे को मार डालेगी और ना। अरे ये तो और मंगवाने वाला था चीज। मैं लजाने मंगाने वाला था, मस्त आता है यहाँ पर। मैंने मेरी चॉइस तेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज किया है, ऐसा बोल। सो गाइस एक सुपर डुपर वाली लाइक हिरेन के लिए सरप्राइज है। आप देख सकते हो मैं पीछे कहाँ पे हूँ, डाइसन के स्टोर में हूँ। अभी मैंने निकुंज को बोला कि जाके तुम दोनों बॉलिंग खेलो और मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बहुत ही जल्दी नीचे आई हूँ परचेस करने के लिए। हिरेन को इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो यस उसके लिए सरप्राइज रहने वाला ही है। तो यहाँ चल मैं फटाफट सारी चीज़ें खत्म कर लेती हूँ। तो सारी डिटेल्स मैंने फिल कर ली है एंड हिरेन को कोई भी अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। मे बी अभी मेरे को टाइम मिलता है, कुछ हो पाता है तो अभी मैं कलेक्ट करके दूंगी। बिकॉज पार्किंग में, वैले पार्किंग में मेरी कार है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बस चाबी हिरेन के पास है तो कुछ सेटिंग करना पड़ेगा और एल्स मैं कल निकुंज को भेजूंगी। बट हाँ मैंने एक बार पेमेंट करके सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि गिफ्ट हो गया है मेरे पास फाइनली। सो ये आ गया है और इन्होंने बोला था अगर आपने पहले बता दिया होता तो हम गिफ्ट रैप करके रखते तो मैंने बोला गिफ्ट रैप कर देना, मैं शायद से लेट ले जाऊंगी या बाद में कल भी ले जाऊंगी। एंड बहुत ही ज़्यादा क्विकली हो गया एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड नर्वस एंड बस फिंगर क्रॉस के हिरेन को बिल्कुल भी पता ना चले। तो जैसे तैसे जुगाड़ मार के मैंने ये सारी चीज़ें की हुई है, उसके गिफ्ट खरीदिए। तो हमेशा मेरे साथ साथ होता है तो बहुत पंगा होता है उसकी गिफ्ट खरीदने का। सो गाइस अभी मैं फटाक से मेरे पापा के लिए भी गिफ्ट लेने आई हूँ बिकॉज मेरे पापा के भी कल बर्थडे है। मैं ऑलवेज चाहती थी कि मेरे पापा जैसे ही है ना मेरा लाइक हस्बैंड हो बॉयफ्रेंड हो एंड लोग भगवान ने सूझ भी ली और दोनों की बर्थडे वाला मेरे हिरेन की बर्थडे और मेरे पापा की बर्थडे दोनों सेम डे की बर्थडे शेयर करते हैं। तो हिरेन की बर्थडे का गिफ्ट हो चुका है, नाउ टाइम फॉर पापा की बर्थडे गिफ्ट का। तो मैं पापा को देने वाली हूँ कुछ शर्ट और कुछ कपड़े देने का सोच रही हूँ बिकॉज वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते ही नहीं है। तो यस अब मैं जब छोटी थी तब वो हमारे लिए शॉपिंग करते थे, अब हमारा टर्न है उनके लिए शॉपिंग करना। पापा के लिए शॉपिंग कर ली और मुझे हिरेन अगर पूछेगा ना कि तुझे इतना लेट क्यों हुआ तो मैं बोल दूँगी कि मैं पापा के लिए शॉपिंग कर रही थी। तो यस उस हिसाब से मुझे उस वाले उसके गिफ्ट का जो मैं गई थी वो सारी चीज़ें छुपानी पड़ेगी। हिरेन और निकुंज दोनों बॉलिंग खेल रहे हैं। सो हिरेन ऑलरेडी गेम जो मैं बहुत सारे लोगों से डरा हुआ है, सबको मिल चुका है, वो लोग सब वेट कर रहे थे मेरे लिए। तो हमने एक बॉल लगाया ना भरी निकल से गेम खेल रहा था कि खून निकाल लिया। वाह व्हाट अ प्लेयर। तो गाइस हम लोग बॉलिंग करने के लिए आए, अंकिता इसलिए सैड है क्योंकि निकुल स्कोर मार रहा है पहले से ही। अंकिता के पहले शॉट में तो गटर गया, सेकंड टाइम में देखते हैं। चलो बॉर्डर का टच तो हुआ। तो ये है हमारा फाइनल स्कोर, मैं फर्स्ट है, निकुंज थर्ड, सेकंड। ओके गाइस तो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। ये देखो बर्फ पड़ रही है बोतल में, इसकी वजह से ना मेरे को बर्फ वाले वो क्या बोलते हैं पानी पीने की आदत पड़ गई है। हम जैसे ही घर पे आए नसीब से उसी वक्त एक जोमेटो या पता नहीं कौन सा जोमेटो वाला था, जोमेटो वाला बंदा आया था जो एक बॉक्स लेके आया था। मैंने बोला ये बॉक्स क्या है, फिर पता चला केक आई है बर्थडे की, क्योंकि दिमाग चलाना पड़ेगा डीसी मेम्स क्या होता है, ये है वाली केक और यहाँ पे ऐसे लिखा होता है डीसी मेम्स। तो ये केक उन्होंने भेजा है बिकॉज हिरेन चॉकलेट नहीं खाता। मुझे आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली कोई भी केक नहीं पसंद, मुझे इससे भी शायद हो तो नहीं पता, नहीं हो या नहीं हो वो खाने के बाद पता चलेगा। पर रात को 12 बजे हम केक काटेंगे तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए। फिलहाल तो सारी फ्रिज में सब तामझाम रखे, अभी 1.5 घंटा बाकी है बर्थडे को। अंकिता सिर्फ 10 मिनट बाकी, केक वेक लाना तो ले आ जाके। ठीक है ले आती हूँ। लाइट ऑन करो।
आ गए अंकिता फाइनली। तो गाइस केक शेक रेडी है, हम वही केक काटने वाले हैं जो हमको हमारे सब्सक्राइबर्स और डिस्कॉर्ड में भेजे। तेरे भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। डिस्कॉर्ड वालों का आवाज नहीं आ रहा ठीक से, अच्छे से बोलो हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अभी हैप्पी बर्थडे अभी हाँ कर ले तू, यही कर ले पहले। तो चलो गाइस केक कटिंग की बारी है। ये है केक, डिस्कॉर्ड की पूरी टीम ने मिलके भेजी है और इन लोगों को पता है कि मुझे आर्टिफिशियल फ्लेवर से एलर्जी है, इसलिए इन लोगों ने मुझे रसमलाई भेजी है। माचिस से जला दे। क्या हुआ, केक बिगाड़ दी पूरी। क्या कर रही है अंकिता, क्या कर रही है? ये शॉक मैच बॉक्स है। इससे जला डालू, उड़ा दूं तेरे को। अब मिल गया तेरे को निकुंज आता था। हैप्पी बर्थडे ब्रॉमी। खाया पूरी? हाँ हाँ मेरा खा लो गाइस। गाइस थैंक यू सो मच, केक बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड पे तो हूँ बट मैं प्रियंग थोड़ी मैं प्रियंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो वेट करना, तो वो आएगी तो तब मेरे को वेट करना पड़ेगा, तब तक तैयारी कर लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया था मैं हिरण के बर्थडे पे कोई प्रैंक व्रैंक नहीं करने वाली, और मैंने उसके लिए बहुत अच्छा वाला सरप्राइज सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ था। पर उसने जिस तरह से मुझे कल ट्रीट किया ना, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो अभी बजे सुबह के 7:30, मैंने 8 बजे की कैब बुक करवाई और मैं जा रही हूँ उसके बर्थडे के दिन बड़ौदा। तो ये मेरी कैब आ रही है और ये मेरा लगेज रेडी है। बहुत ही रात को मैं गुस्से में थी, रोई थी एंड वेट कर रही थी उसका कि मुझे वो मनाना है, बट नहीं आया था। तो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं सो जाने वाली थी। 1 hour later सो गई थी एंड जस्ट अभी उठी हूँ और हिरण के बहुत सारे मिस कॉल हैं, मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी फ़ोन है, मैसेजेस है, बट मैंने पिकअप नहीं किया है। गाइस तो कल रात को मैंने अंकिता पे किया था प्रैंक और उसमें मेरा टाइम भी गया था, अंकिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और सुबह मुझे बिना बताए चली गई बड़ौदा। तो पता नहीं या तो मैं क्या व्लॉग करूं, पता नहीं। सो आज पापा की भी बर्थडे है तो सब लोग कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोलना। और ये नई टी शर्ट में पापा कैसा लग रहा है? पापा का फेवरेट कलर है रेड कलर की टी शर्ट है ना। हमें सो कैब आ गई है मेरी और मैं निकल गई हूँ वापस बड़ौदा से अहमदाबाद जाने के लिए, जो चीज के बारे में हिरण को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, वो तो वहाँ पे आग बबूला हो रहा के रखा होगा। और सिर्फ मैं जा रही हूँ वो सरप्राइज नहीं है, एक और भी सरप्राइज है हिरण के लिए जो मैं अहमदाबाद पहुँच के आपको बताऊंगी। सो मैं अहमदाबाद पहुंच गई हूँ, मॉल में आ गई हूँ, बिकॉज मैं एक स्पेशल चीज थी जो मैंने ऑलरेडी कल कर ली है। हिरण को एक प्रोडक्ट खरीदना था डायसन का जो वो कल ही खरीदने वाला था, पर मैंने जैसे तैसे उसको मनाया है कि प्लीज आज मत खरीद, कल खरीदना, तेरी बर्थडे है इसलिए। मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट खरीद लिया था आज, जस्ट मुझे पिकअप करना है वही था। तो मैं अभी जस्ट एंटर हुई हूँ अहमदाबाद में, मेरी कैब बाहर ही खड़ी हुई है, मैं घर पहुंचने के पहले मेरा वो गिफ्ट पिकअप कर लूंगी। सो मेरे पास आ गया है, फटाक से जाऊंगी एंड हिरण को मनाने वाली हूँ। बस मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा वाला गुस्से में है, बहुत ज्यादा हैवी है, तो मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी, मैं घर पहुँच के शूट कर लूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने मना किया था ना तेरे को, इसके लिए तो मैं बोला था मैं खुद को गिफ्ट दे रहा हूँ, इसलिए तो मैं चाहती थी कि मैं दूँ तुझे, वो भी ये लिमिटेड एडिशन। यस, क्योंकि तू मेरे लिए लिमिटेड एडिशन है तो मेरे ब्राउनी के लिए लिमिटेड एडिशन। ओ भाई, अंकिता ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दिया है सुपर सोनिक डायसन भाई, 34,900 की गिफ्ट। ये तेरे टूल, ये ऐसा प्राइस बोलने की जरूरत नहीं है। बार नहीं है जरूरत, बिकॉज मेरे लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने बहुत टाइम से इसको परचेज नहीं किया था। तू लाखों खर्चे कर, वो अलग बात होती है, पर ऐसी चीजों में मैं खुद के ऊपर जल्दी खर्चा नहीं हूँ। खर्चा कर दिया तेरे पे, मेरे को भी फायदा होगा, मुझे उठा के लाना नहीं पड़ेगा। ये अंकिता की तरफ से मेरे को बर्थडे गिफ्ट है, वो भी लिमिटेड एडिशन है, बहुत ऑसम। मैंने कुछ ब्लॉग किया नहीं था, इसने पता नहीं आगे जो ब्लॉग किया वो डालूंगा। किया था हिरण पे, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो कौन आया गाइस। निकले तेरे बालों को क्या हुआ? तो ड्राई नहीं किया है। देखो गुलाब शुलाब लेके आए, थैंक यू। और केक, चलो आज गाइस, वैसे मैं बता दूं लाइव स्ट्रीम की सारे सेटअप करके बैठा हूँ, बस अंकिता का वेट कर रहे क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। अपने जब बस शर्ट चढ़ा के आगे नीचे जींस होकर हुए रखा है, वो ज्यादा दिखना है नहीं लाइव स्ट्रीम पे। और निकुंज केक लाया, वो हम काटेंगे लाइव स्ट्रीम पे। चलो डन, थैंक यू। आई होप केक
पिघलना शुरू हो उससे पहले अंकित आ जाए बस। बर्थडे मेरी है, मैं जलाऊंगा। तू तो बुझाएगा, जलाऊंगी मैं। शट अप, बकवास मत कर, मेरे बाल जल फ्रेम के बाहर है, हट ना। फोटो ले रही हूँ। अबे कैंडल खत्म हो जाएगी, क्या कर रही है? कल भी यही कर रही थी। पोज क्या दूं? फोटो कलर। अब सेल्फी ले ले, खत्म कर। मैं चल जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर राजी। चलो गाइस, आप सबको मेरी बर्थडे तू कर क्या रही है यार? मैं खिला भी ये रही है, सब कुछ इसी को करना है। पर मैं तो देखो खिला, तू मुझे खिला खाने पर। एक बाइट खाना पड़ेगा। शुभम शाह, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट एंड द विशेस।